जब कुछ खाना हो खास और चटपटा भी साथ में, तो इस तरह की आप लॉलीपॉप अपने बच्चों को और आप खुद घर वालों को खिला सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी की चैनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की एकदम नई रेसिपी, जो झटपट बन भी जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमने यहाँ दो मीडियम साइज के आलू को उबाल के ठंडा करके इस तरह से अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम इसमें कुछ सामान डाल देते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, उसको भी डाल देते हैं। साथ में डाल देंगे हरा धनिया। आप हरी मिर्ची खाते हो तो आप हरी मिर्ची ज़रूर डालें। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें मैं ओरिगेनो डाल रही हूँ। इसका स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आता है, अगर आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ब्रेड क्रम। यहाँ हमने 2 ब्रेड को मिक्सी जार में पीस लिया था, उसको डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इन सबको हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेड क्रम मोड़ ले रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ दो ब्रेड के स्लाइस लेते हैं जिसका ब्रेड क्रम डाल रहे हैं। यह हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया लॉलीपॉप का। पहले हम अपने हाथ धोएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमें छोटी छोटी बनानी है लॉलीपॉप की तरह। ये देखिए, और इस तरह बनाकर इधर प्लेट में रखते जाएंगे। सारी पहले बनाकर तैयार कर लेंगे हम। ये हमारी सभी बोल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए घोल बना लेते हैं। तो एक लेते हैं बाउल, और बाउल में डालेंगे 2 चम्मच मैदा। यहाँ हमने 2 चम्मच मैदा ले लिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे हम। ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम ले लेंगे और साथ में हमारी जो बोल बनाई है उनको भी रख लेंगे। अब एक एक बोल को लेंगे इस तरह से और अपने मैदा के घोल में डालेंगे। इसका एक्स्ट्रा मैदा हटाते हुए फिर हम इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे। अब ब्रेड क्रम में इस तरह से इसको कोट कर देंगे। और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम इस तरह से हम हटा देंगे। ये देखिए, और उसको इस तरह एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक बोल और लेंगे और इस तरह से फिर से इसको डिप करेंगे।
अच्छे से हम इस पे मैदा का कोट कर देंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा निकालते हुए इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे और ऊपर से हम ब्रेड क्रम को इस तरह से लगा देंगे। इससे हमारे जो लॉलीपॉप है बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगाकर इसको अच्छे से लगाएं और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम को इस तरह से हटा दें। ये देखिए इस तरह से ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। साथ में हमने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हमें तेज गर्म तेल चाहिए तो हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारी सभी बोल तैयार है फ्राई होने के लिए, तो चलो वो इसको फ्राई कर लेते हैं। यह हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो अपनी बोल को एक एक को उठाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। अब इनको हम फ्राई कर सिकने देते हैं। इनको सिकते हुए एक मिनट हो गया तो अब हम इनको पलट देते हैं। और उसको दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे हम। इनको उलटते पलटते रहेंगे जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से सिक सके। ये इनका अच्छा सा सुनहरी कलर आ जाए इतना हमें सेकना है इनको। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। आवाज भी सुन पा रहे होंगे कितने अच्छे बने हमारे। और इसी तरह से हम दूसरे भी फ्राई कर लेते हैं। अब इनको भी हम पहले नीचे से सिकने देंगे। अब इनको पलट लेते हैं। इनको भी लटते पलटते अच्छा सा कलर आने तक हम इनको सेकेंगे। इनको हमें तेज आंच पे ही सेकना है। ये भी हमारे सिक गए तो अब इनको निकाल लेते हैं।
ये हमारे सभी बॉल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको लॉलीपॉप बनाने के लिए एक एक स्टिक लेंगे और इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए,